भैया मैं तो लेट हो गई, उधर कर रहे भाई। बस 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 बस, अर्चना इधर, अर्चना इधर, और कर लो थोड़ा सा, एक बार और, वन मोर। क्या बात है, रेड वाइन आपको। अर्चना जी, अरे क्या कर रहे हैं, गोल गोल घूमते हैं। बस बस इधर ही, अर्चना जी इधर। रोज सोचती हूँ जिम जाऊंगी, फिर आलस आ जाता है तो फिर जाती नहीं, जाऊंगी। अर्चना जी, पूछो जी, पूछो आज, आप पूछो। अरे पूछना था, खिलाड़ी इसके स्टंट देखे नहीं, पहले ये बताओ हम दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है। जोड़ी क्या, थोड़ी क्या, नहीं 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 यार, सीरियस हम लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत देखना मजा आ रहा है, पता है मेरी हार्ट बीट अभी पता है। क्या बात है, खूबसूरत। और कुछ पूछना है? अर्चना फिर अब बॉस फॉलो कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। किसका गेम अच्छा लग रहा है? एल्विश, एल्विश नहीं, एल्विश तो अच्छा है ही, मतलब अच्छा, उसका तो नाम मैंने पहले भी ले लिया था, बट मुझे ना अभी जैसे मैंने एक दो एपिसोड देखे हैं, ज्यादा नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो मनीषा है ना उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। तो मुझे ना थोड़ा सा लगता है अच्छी मनीषा कॉमेडियन है, बट अभी लास्ट मोमेंट है, तो लास्ट मोमेंट पे जो मुझे मनीषा का लग रहा है उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, कुछ भी चीज़ है उसको बोलना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो थोड़ा डरी डरी सी रहती है, उसको नहीं डरना चाहिए, उसको जो भी है मुँह पे बोलो, कोई खा थोड़ी ना जाएगा। तो बस मुझे मनीषा का थोड़ा सा था बस कि वो थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, बाकी देखो यार कोई भी चीज़ है, हमें क्या करना है, बट हाँ ये कि जो डिजर्विंग लोग हैं जिसको जनता ज्यादा पसंद करती है वो जीत। तो एल्विश और अभिषेक का काफी फैन फॉलोइंग भी और उनका गेम भी काफी अच्छा चल रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो वही ना, अभी का जो बिग बॉस है ना वो पहले का बिग बॉस नहीं रहा है, अभी का समझो आप अगर 20 मिलियन फॉलोअर्स को लाओगे तो आप पहले समझ जाओ कि भाई वो ही विनर करेगा, वो ही जीतेगा, अभी गेम खेलना वो सब चीज़ें नहीं रही है। और मुझे तो पता नहीं समझ में नहीं आता, नॉर्मली पीपल आप देखो, हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, ऐश्वर्या ने स्ट्रगल किया है, मैंने स्ट्रगल किया है, हम लोग स्ट्रगल कर करके वहाँ तक पहुँचे हैं, और अभी की सिचुएशन क्या हो गई है कि अगर यूट्यूबर बिग बॉस में आएंगे तो फिर नॉर्मली जो हम लोग स्ट्रगल वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, मतलब बॉलीवुड में भी जो एक्टर के बेटे उन लोगों ने जगह बना ली, डायरेक्टरों के बेटों ने जगह बना ली, थोड़ा बहुत टीवी इंडस्ट्री बची थी हम लोगों के लिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूबर ही ले जाएंगे उसको, और उनको स्ट्रगल का पता ही नहीं है कि स्ट्रगल क्या होता है। स्ट्रगल पूछो उस इंसान से जो मुंबई छोड़ के आया है और मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है उसने लाइफ में, मुंबई में धक्के खाए हैं ऑटो में, बसेस में, उसे कहते हैं थिएटर किया है, एक्टिंग कोर्स किया है, उन्होंने भी तो उनके उसके में स्ट्रगल किया होगा ना यूट्यूब, अरे चैनल बनाने में, अरे यस यस होता है मैम स्ट्रगल, थोड़ा बहुत तो होता है इनिशियल डेज में, स्ट्रगल नहीं है, हाँ फिजिकल स्ट्रगल नहीं होगा, दिमाग लगता है उसमें, वो यूट्यूब की वो वीडियोस बनाने में इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम, वो कंटेंट बनाने में टाइम स्ट्रगल नहीं होता, स्ट्रगल होते हैं जो लोग करते हैं, जो लोग करते हैं स्ट्रगल, ये देखो कितना स्ट्रगल करते हैं आप लोग मीडिया, ये होता है स्ट्रगल, फिजिकल स्ट्रगल होता है, आप समझ रहे। मेरा मुद्दा किसी मतलब यूट्यूबर से नहीं है, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भाई देखो अभी जो बिग बॉस चल रहा है 17 में ऐसा ना हो, बेचारे फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, अभी ऐश्वर्या जाने लगते हैं, रिवील हो गया अभी इसका कहीं फर्क नहीं है, बिग बॉस ने ऑफर दिया है इसका पॉइंट ऑफ व्यू, ये कब वो तब का बोल रही है, प्रोमो बाहर आया है, अच्छा अच्छा, क्योंकि ऐश्वर्या जा रही है, मेरे को कब से बोल रही है, तू जा रही है, तू जा रही है, मैं आपको बात है ना, फिर अभी जब जिसके सबसे ज्यादा फॉलोवर्स है वो ही रिवील हो जाए, जैसे आप लोग के टाइम पे एमसी स्टैंड के सबसे ज्यादा फॉलोवर्स करा दिया,
पर लेकिन डिजर्विंग बिग बॉस में कौन सबसे अच्छा कर रहा है, अपना ये कर रही है सबसे अच्छा बोल रही हूँ मैं, पूजा भट्ट जी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर चीज होती है, पर उनका नाम नहीं ले सकते। क्यों? अगर नाम ले लिया जाएगा तो फिर वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, नेपोटिज्म आ जाएगा। पूजा भट्ट को सपोर्ट किया, क्यों नहीं कोई पूजा भट्ट का नाम ले रहा? इसी वजह से मैं भी नहीं ले रही। मैंने कहा फिर मुझे बोलेंगे लोग तो, बट सबसे अच्छा गेम मुझे लगता है कि वो ही खेल रहे हैं। जैसे आपने क्यों पड़ी है लोगों को बोलने, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा था मीडिया से कि एमसी स्टैन के कुछ फैन पहुंच गए थे बिग बॉस के घर पे, तो शायद इस बार भी माना जा रहा है कि लोग पहुंच चुके हैं वहाँ पे। एल्विश के भी फैन पहुंच चुके हैं, ऐसे खबरें आ रही है। फुकरे के भी दोनों में देखो कंपटीशन होता है, मुझे ऐसा लगता है दोनों लड़ते रहेंगे और वो ट्रॉफी को और ले जाएगा। अच्छा, एक और रिएक्शन, खतरों के खिलाड़ी में फैजू आया था जो कि एक टीम 07 टीम से बिलोंग करता है। सुनो ना, भागो मत। तो खतरों के खिलाड़ी में फैजू आया था जो कि टीम 07 से बिलोंग करते हैं। कल उनके ही फ्रेंड का बर्थडे था, अदनान का। उन्होंने अपने बर्थडे पार्टी में एल्विश यादव को चूड़िया गिफ्ट करी है क्योंकि वो लड़ते हैं लड़कियों से घर के अंदर। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? लड़ने नहीं, जेंडर इक्वालिटी, लड़कियों से लड़ रहे हैं, लड़कों से लड़ रहे, क्या फर्क पड़ता है? और बिग बॉस में किससे लड़ेंगे? तो प्लेट से जो जो रहेंगे कंटेस्टेंट उनसे ही लड़ा जाएगा, क्योंकि गैस से लड़ेंगे, वहाँ पे इतने लोग हैं, आपस में तो लड़ेंगे, क्या करेंगे? चलो ठीक है, थैंक यू बहुत सारा हो गया।